श्री कॉमरे जी मिसला हमारे इन तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं रेस्क्यू 122 पाकिस्तान बेस्ट सर्विस। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लाया हूं, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। जो दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रेस्क्यू 122 में हमने अप्लाई करना है तो वो तैयार हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। रेस्क्यू 122 में सीटों का ऐलान हो गया है। सुबह सिंध में सीटों का ऐलान हुआ है, अभी पंजाब में ऐलान नहीं हुआ। सिंध में जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो सिस्टर्स हैं, सिंध में अप्लाई करना चाहती हैं तो वो तैयार हो जाए और अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेस्क्यू 122 सिंध सर्विस में किस तरीके से अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ से लेने हैं, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे और किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, जो दोस्त नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सात घंटे के बटन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि हर लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीट आई है 500 कुछ सीट आई है रेस्क्यू 122 में और बहुत ही अच्छी सीट आई है, मगर इस पे सिर्फ और सिर्फ जो अप्लाई कर सकती है वो सिर्फ इस वक्त फीमेल अप्लाई कर सकती है। इसमें मेल इंस्टीट्यूटों पर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसको जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि कौन कौन सी सीट आई है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझा देता हूँ कि उनके ऐड में उन्होंने क्या क्या चीज़ की डिमांड रखी है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो चलते हैं टाइम ज़्यादा किए बगैर मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122, ये इनका इश्तिहार आया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ज्वाइन सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ओनली फॉर फीमेल। इस पे जी उन्होंने कितनी सीटें हैं, इनको दरकार, कौन कौन सी सीट्स है, किस सीट पर, किस क्राइटेरिया पर आप भर्ती हो सकते हैं, पूरा प्रोसीजर है, मैं आपको भी सब कम्प्लीट से बताता हूँ। मगर ये सिर्फ ओनली फीमेल की सीट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो उन्होंने जो पहली सीट अनाउंस की है वो है एमरजेंसी ऑफिसर की, रेस्क्यू कमांडर्स की। इसका BPS 7 स्केल होगा और ये चार पोस्ट हैं, एक कराची के लिए, एक नवाबशाह शहीद बेनजीराबाद के लिए और एक सखर और एक कराची के लिए है। इनके लिए एलिजिबिली क्या है जी, इनके लिए MBBS चाहिए विद और मास्टर की डिग्री चाहिए, कोई पब्लिक हेल्थ का आपके पास डिप्लोमा हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तो बेस्ट है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर बैचलर डिग्री है तो उसके साथ 3 साल का कोई रेलिवेंट, इससे मिलता जुलता रेस्क्यू के हवाले से मिलता जुलता कोई एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसकी अगर दूसरी पोस्ट की बात करें तो दोस्तों वो है स्टेशन इन इंचार्ज डिप्टी रेस्क्यू कमांडर। ये इसकी 4 सीटें टोटल, एक मीरपुर खास की है, एक शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह की है, एक सखर की है और एक सीट कराची की है। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें एलिजिबिलिटी के लिए तो ग्रेजुएशन MSc चाहिए, इनको एनवायरमेंटल साइंस में सोशल साइंस हो, एमरजेंसी इंटेंसिव हो या कोई किसी डिप्लोमा या इनसे रिलेटेड नोबोश से डिप्लोमा हो, कोई सर्टिफिकेट लिया हो। उम्र जो इन्होंने बताई है इससे 25 से 38 साल की है। हम तीसरी पोस्ट की बात करते हैं, तीसरी पोस्ट जो पे उन्होंने बताया है वो है डेड रेस्क्यूअर। इसकी सिर्फ 20 सीटें हैं, कराची में है, मैट्रिक और इसके साथ 3 साल का कोई डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल का है। उम्र 18 से 30 साल, स्विमर को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा अगर जिसको स्विमिंग आती है। चौथी सीट की बात करें तो वो पैरामेडिकल की है, पैरामेडिकल में 25 सीटें हैं, कराची के लिए हैं, बैचलर इन नर्सिंग विद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है या रेस्क्यू किसी डिपार्टमेंट से उनको सेक्टर हॉस्पिटल एम्बुलेंस वगैरह सर्विस का कोई एक्सपीरियंस हो तो बेस्ट है। जी दोस्तों आगे चलते हैं, इसकी एज उन्होंने मांगी है 22 से 35 साल। आगे उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि क्या क्या ज़रूरत है इसके लिए जी। रनिंग होगी 1 माइल होगी, 1600 मीटर होते हैं तकरीबन, 10 मिनट टाइम होगा और मिनिमम हाइट जो फॉर फीमेल के लिए मांगी उन्होंने ऑल सीट्स के लिए जो है कम से कम 5 फुट होना लाजमी है। इसके अलावा आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपने इसके लिए कौन कौन से आपको अप्लाई करने का तरीका, आपने सबसे पहले क्या करना है PTS की वेबसाइट ओपन करना है, www.pts.org.pk पे जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म अप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उनको फिल करके उनका चलान HBL या UBL में भरेंगे। इसके अलावा उन्होंने एड्रेस बताया हुआ है एप्लीकेशन का, जो फॉर्म होगा ये एप्लीकेशन आपने कहाँ पे भेजनी है,
वो भी उन्होंने तरीका बता दिया है। लास्ट डेट को देखें तो लास्ट डेट उन्होंने जो बताई है एप्लीकेशन जमा करवाने की, वो है 31/7/2023। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने दिखाया, आपको मैंने समझाया उनका ऐड की किस तरीके से, उनके ऐड का तरीकाकार है, किस तरीके से अभी उन्होंने सीटों का ऐलान किया है और किस किस सीट और कौन कौन से शहर में इस सीट का ऐलान हुआ है, ये तमाम तर चीज़ें हमने तफसीली देख ली हैं। अब मसला आता है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। तो फॉर्म आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, अगर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है तो PTS की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी फॉर्म्स तमाम एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके इस पर रख दिया, ताकि आप लोगों को आसानी हो, जो लोगों को PTS वेबसाइट का पता नहीं है वहाँ से डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता, तो उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और अपने चैनल पर अपलोड की हुई है और अप्लाई करने का तरीके के बारे में भी अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि आप देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, घंटी के बटन को साथ जरूर प्रेस कर दें। आप अपने प्यारे दोस्त लियाकत अली एमडी को इजाज़त दीजिए, कल आप लोगों के लिए ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर लाऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।